हाँ जी अभी है सर, आवाज आ रही है। यस मैम। अच्छा सुनहरा, आपकी ईमेल आईडी क्या है? मैम मेरी S20213160010। अच्छा उस दिन सुनहरा सारे बच्चों ने काम सेंड कर दिया था? यस मैम सबने कर दिया था। अच्छा आज आप लोगों ने क्या करना है? अच्छा आपकी बाकी कौन सी प्रैक्टिकल क्लासेस हो रही हैं, प्रैक्टिकल क्लासेस इसके अलावा? मैम यही हो रही है, अच्छा मटेरियल एंड मॉडल की भी नहीं अभी हुई और डिजिटल की भी नहीं हुई। ठीक, चलो फिलहाल थोड़ा वो तो काम दे देती हूँ कि जिससे आप लोग घर बैठे कुछ ना कुछ कर सकें। अच्छा काफी काफी अच्छा आप लोगों ने काम किया था, लैब वर्क जो मैंने दिया था आप लोगों को, अब सेम आप लोगों ने क्या करना है? माइक आप लोग म्यूट कर लिया करें, देखा करें कि माइक आप लोगों का ऑन तो नहीं है। अच्छा अमान आप अपना माइक म्यूट करें। अच्छा जी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों को, जरा देखें। स्क्रीन शेयर हो गई? अच्छा यस मैम। अच्छा अब आप लोगों ने क्या करना है, क्योंकि अभी फिलहाल जो है ना लाइव ड्राइंग तो नहीं मैं आप लोगों को यहाँ पे दे सकती, तो फिलहाल वही काम दे रही हूँ जो आप लोग घर बैठ कर सकते हैं। अब इसमें आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने जो भी लाइंस पहले ड्रॉ की हुई है सेम वही लाइंस लेनी है, जैसे मैं आप लोगों की यहाँ पे खोल देती हूँ ये वाली स्क्रीन, ये स्क्रीन शो होगी। आप देखो यहाँ ये देखिए, ये मैं किसी का भी काम खोल लेती हूँ यहाँ पे, चलो लेट्स सपोज ये वाला, चलिए नजर नहीं आ रहा। हाँ जी ये ले लेते हैं, ठीक है कोमल शाहिद का काम है ये। अभी देखिए सेम इसी तरह जो आपने बॉक्सेस बनाए हैं सेम इसी तरह आप लोगों ने बॉक्सेस बना के, आप लोगों ने पहले तो लाइंस लगाई ना, सिंपल लाइंस लगाई, अब इन्हीं लाइन से आप लोगों ने पैटर्न डेवलप करना है इसी बॉक्स के अंदर, ठीक है? मतलब ये वाला बॉक्स ना हो, ये वाला पेज ना हो, नया पेज बनाना है आप लोगों ने, और ऊपर लिखना है कि टाइप्स ऑफ पैटर्न, ठीक है? टाइप्स ऑफ पैटर्न लिख के आप लोगों ने जो लाइन आपने जैसे वो जब ये जॉग लाइन लगाई है इसमें, ठीक है? तो जॉग लाइन से जो पैटर्न बनता है आपने वो पैटर्न बनाना है। सेम इसी तरह स्पायरल है, स्पायरल से जो पैटर्न बनता है आपने उस पैटर्न स्पायरल का पैटर्न बनाना है, और लूप डी लूप का है तो इससे जो भी आप की लाइन है इससे आपने पैटर्न डेवलप करना है। तो पैटर्न की हेल्प आप लोग यहाँ से ले सकते हैं, जैसे मैं आपको लिखती हूँ यहाँ पे जैग लाइन पैटर्न, ये देखो तो आप लोगों को काफी ज्यादा पैटर्न मिल जाएंगे जैग लाइन के। तो आपने वही इतना ही बॉक्स लेना है, उतना ही डायमेंशन लिखनी है, ठीक है? और उसी से जो है ना वो पैटर्न डेवलप करना है आपने लाइक दिस। कोशिश करनी है कि फ्री हैंड हो, लेकिन जहां पे स्केल यूज हो रहा है वहां आप स्केल यूज कर सकते हैं, ठीक है? यस मैम। समझ आई? यस मैम।
सेम इसी तरह फॉर एग्जाम्पल स्पायरल है, ठीक है, स्पायरल लाइन है, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ स्पायरल लाइन पैटर्न, ये भी आप लोगों का लैब वर्क है, तो दिस इज स्पायरल पैटर्न, ठीक है। अब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? हाँ ये वाला, ये यस मैम, स्पायरल का, स्पायरल के पहले तीन पैटर्न देखो, स्पायरल का ये भी हो सकता है दिस वन, ठीक है, स्पायरल का ये पैटर्न भी हो सकता है, लेकिन आप लोग इतने मुश्किल में ना जाए अभी, ठीक है। तो मेक इट सिंपल, जस्ट अंडरस्टैंड करना है कि उस लाइन का पर्पस क्या होता है, अब हम उसको पर्पस कैसे आगे देखते हैं। अब ये देखिए, ये पैटर्न हो सकता है, ये देखिए स्पायरल के कितने पैटर्न हैं, हाँ जी नजर आ रहे हैं? Yes, ma'am. अब हमें सेम काम यही करना है, ठीक है। इसी तरह आपने लिखना है टाइप ऑफ लाइंस, यहाँ पर टाइप ऑफ लाइंस देखिए, नया पेज आप ले रहे हैं, वहां लिखना है टाइप्स ऑफ पैटर्न, ठीक है। सेम यही बॉक्सेस, सेम यही आप लोगों ने 20 पैटर्न्स बनाने हैं, ठीक है। तो अगर तो आप लोगों के पैटर्न्स अच्छे हुए तो मैं इसको असाइनमेंट कंसिडर कर लूंगी, वरना फिलहाल ये आपका लैब वर्क है ऑलमोस्ट 2 क्लासेस का, मतलब इस क्लास में भी आप लोग काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में भी यही काम करेंगे, क्योंकि ये क्लास का काम है, ठीक है। तो लैब वर्क कंसिडर होगा, आज आप लोग बेशक जो है ना ऑलमोस्ट 10 पैटर्न्स इस क्लास में करें, 10 या 5, ओके मैम, ठीक है। जितनी आप लोग अपनी डिटेल आप देख सकते हैं, डिपेंड करता है कि पैटर्न आप लोग किस तरह बनाते हैं। किसी ने पिछली क्लास नहीं ली थी तो दोबारा समझा देती हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। जो लाइंस आप लोगों ने पिछली क्लास में लगाई थी लाइक दिस, ठीक है, इन्हीं लाइन से, इन्हीं डॉट से, इन्हीं चीजों से आप लोगों ने पैटर्न डेवलप करना है, ठीक है। और पैटर्न क्या होता है, जो पैटर्न होता है वो सारा अलाइंड होता है, वो एक दूसरे से जुड़ा होता है, ठीक है, लाइक दिस। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने फ्री हैंड लेना है, बहुत कम आपने स्केल यूज करना है, जहां पे आपकी स्केल की रिक्वायरमेंट है वहां पे स्केल यूज करें, लेकिन कोशिश करें फ्री हैंड करें। ये आज आपने काम करना है और मुझे सबमिट करवाना है। और आज कौन कौन कितनी देर तक सबमिट करवाना है, ये आप लोग बेशक 5 पैटर्न बना ले, ज्यादा ना बनाए, ठीक है, 5 बना ले आप लोग। ये आप लोग 11:30-12 बजे तक, जब लैब है पूरी लैब कटा, ओके मैम, आप मुझे 12 बजे तक सबमिट करा सकते हैं। तो जरा इसी तरह आप लोगों ने सबसे काम लेके मुझे जो है ना ईमेल कर देनी इकट्ठी, सबके काम प्रोग्रेस पर, ठीक है। आज कंप्लीट नहीं करने पैटर्न्स, ठीक है, आपकी 5 है ना वो मिनिमम है, ठीक है, 5 से ज्यादा हो जाए तो वेल एंड गुड, 5 से कम हो तो चलें देख लूंगी मैं उसकी इम्प्लीकेसी पे, काम आप लोगों ने किया तो ठीक है, वरना ये मिनिमम जो है वो 5 होने चाहिए 12 बजे तक। मैम जैसे पहले हमने वो बॉक्सेस बनाए थे वैसे बनाकर सारा करना है, उसी तरह बॉक्सेस बनाने हैं, ठीक है, मैं फिर भी बता देती हूँ आप लोगों को। अब यहाँ पे लेट्स सपोज हो गई, जी मैम, ये माइक किसका चल रहा है बेटा, आप लोग माइक नहीं बंद करते, आयशा अता आपका माइक चल रहा है, अब मुझे खुद आप लोगों के माइक बंद करने पड़ते हैं, वरना आप लोग देखा करें कि आप लोगों का माइक जो है वो ऑफ रहे, क्योंकि क्लास में एट टाइम एक ही बंदा बोल सकते हैं। अच्छा, किसी को क्वेश्चन हुआ है तो हैंड रेज कर लिया करे, ठीक है, तो उससे जरा ज्यादा सही रह जाता है। अच्छा लेट्स सपोज अगर मैं सेम यही काम करना आप लोगों ने जैसे मैंने लास्ट टाइम समझाया था, वैसे समझाने की जरूरत तो नहीं है आप लोगों को, इसी तरह 20 बॉक्सेस लेने आप लोगों ने, ठीक है, 20 पैटर्न्स बनने चाहिए, सेम वही लाइंस वही चीज जो आपने पिछली क्लास में की थी, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों ने तमीज से जो है ना नाम लिख लेने उन पैटर्न्स के, या आप सिंपल वही लिख लो कि स्पायरल लाइन पैटर्न, ठीक है, इस तरह से करके भी लिख सकते हैं आप लोग।
ठीक है, और ऊपर आपने तो लिख लेना है टाइप्स ऑफ पैटर्न्स। ओके, यहाँ पे आपने पैटर्न बनाना है पूरा फुल पैटर्न हो, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैं जैक लाइन लेती हूँ तो जैक लाइन का पैटर्न जो है लाइक अगर मैं ये ले लेती हूँ, सॉरी ये लाइन पैटर्न है, तो पूरा पैटर्न जो है ना वो पूरा उस बॉक्स के अंदर कंप्लीट हो रहा हो, ठीक है। जैसे वेवी पैटर्न है, लेट्स सपोज मैं इसको वेवी नाम दे देती हूँ, ठीक है, वेवी लाइन पैटर्न। पैटर्न बाहर नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे नीचे आप नाम लिख देना, ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप लोग कैसे पैटर्न डेवलप करते हैं, ठीक है, किस तरह के पैटर्न आप लोग लेते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई इसमें नहीं है। आप लोग नेट से सर्च करें, जितना आप सर्च अच्छा करेंगे उतनी अच्छी पैटर्न आपके डेवलप होंगे, ठीक है। और किसी को कोई हेल्प चाहिए तो मैं उसके अलावा भी आप लोगों को हेल्प दे सकती हूँ। मैं देखती हूँ कोई इसके अलावा कोई रेलेवेंट अगर वीडियो है इसके अकॉर्डिंग तो मैं वो दिखा देती हूँ आप लोगों को। हाँ जी, समझ आ गई? यस मैम। कोई डिफिकल्टी? अब ये देखिए, हाँ जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, एक जरा वीडियो देख लो कि आप उनको थोड़ा ज्यादा अच्छा आइडिया हो जाए कि किस तरह की डिटेल आप कर सकते हैं। हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो गई जी मैम? मैम हो गई है, ठीक है। अभी देखो, मैं थोड़ी सी स्पीड तेज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को, मतलब इस तरह का काम करना है आप लोगों ने, ये हो जाएगा या कोई मुश्किल होगी आप लोगों को? कर लेंगे जी मैम, कर लेंगे। किसी को कोई डिफिकल्टी? नो मैम, नो मैम। इसको सेकंड लैंग्वेज आप डूडलिंग भी कह सकते हैं, ठीक है, ये डूडलिंग भी है। बस आप लोगों ने नीचे जो है ना सबके सब पैटर्न्स के नाम लिखने हैं आप लोगों ने, ठीक है। और कुछ मैंने काम देखे हैं वो आप लोगों ने ना, कुछ बच्चों ने भी जो है ना स्केचबुक के बिल्कुल मिड में रखा हुआ है, मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। ये देखिए कुछ बच्चों ने क्या किया हुआ है, हाँ जी स्क्रीन देखो। अभी देखिए इस तरह का करना है आप लोगों ने काम, कि पूरी स्केचबुक पे काम आए, पूरी स्केचबुक के ऊपर, बॉक्सेस छोटे नहीं होने आप लोगों के। जैसे कुछ बच्चों ने जो है मिड में रख के जो है ना काम किया, जैसे ये देखिए इस तरह से नहीं करना आप लोगों ने। स्क्रीन नजर आ रही है जी? नजर आ रही है स्क्रीन? आ रही है मैम। आप लोगों ने देखो इसने ना पोर्ट्रेट काम लिया, ये रोल नंबर है 008, ठीक है। इस बच्चे ने जो है ना पोर्ट्रेट कर लिया, ठीक है। आप लोगों ने ऐसे नहीं करना, अगर मैं इसको मैं इस इमेज को सेव कर देती हूँ, मैं फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने स्केचबुक का साइज जो है ये देखिए, हाँ जी स्क्रीन नजर आई। अब आप लोगों ने स्केचबुक को इस तरह से नहीं रखना, आप लोगों ने स्केचबुक को इस तरह से रखना है और आपने पैटर्न जो है ना बॉक्स हो ना इसके ऊपर बनाना है लाइक दिस, ठीक है। यूं करके आपने स्केचबुक रखनी है उसके लैंडस्केप में, नॉट इन पोर्ट्रेट, ताकि पैटर्न जो है पूरी स्केचबुक के ऊपर आए, ठीक है। तो ये चार पांच बातें इनको जरा क्लियर करना है आप लोगों ने इस दफा वाले काम में, और ज्यादा जो है ना वो कंफ्यूजन नहीं करनी,
ठीक है, समझ आ गई है? हाँ जी, यस मैम। आज कौन कौन नहीं आया हुआ? अटेंडेंस में उसकी लगा देती हूँ, वैसे तो अटेंडेंस मैंने सबकी लगा दी फिलहाल के लिए। ठीक है, इस तरह का पैटर्न डेवलप करने हैं आप लोगों ने, नीट और बिल्कुल नीट एंड क्लीन। बेशक डिटेल कर लें आपकी अपनी मर्जी है, थोड़ा लाइट पैटर्न कर लें वो भी आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन कोई भी गंदगी जो है ना लाइन बॉक्स से बाहर जो है ना आपको पैटर्न ना जाए। और पेंसिल अच्छी सी शॉर्प करके आपने यूज करनी है, ठीक है, क्योंकि लाइंस का काम है। पेंसिल आप लोगों की मोटी ना हो, शॉर्प हुई वो अच्छी सी। हाँ जी, समझ आ गई? चले मैम। हाँ जी, कोई क्वेश्चन किसी का? ये सारे काम, ये 12 बजे तक आप लोगों ने मुझे मिनिमम 5 पैटर्न सबमिट करवाने हैं, ठीक है। जुनैरा को, जुनैरा को आप लोगों ने सबमिट करा देने, जुनैरा को रिव्यू कर देना, ठीक है जुनैरा जी? ठीक है। और कॉर्नर पे अपना नेम लिखना है और रोल नंबर लिखना है आप लोगों ने। और जो बच्चे नहीं आए हुए उनको मैं लेक्चर की रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगी, ठीक है, वो उनसे देख के जो है ना काम करना है। लेकिन ऐसा नहीं करना कि आप लोगों काम नहीं करना, ये नहीं कहना कि हमें क्लास नहीं हुई और हमने ये नहीं किया, ठीक है, काम सबने करके देना है मुझे। हाँ जी, मैं अभी क्लास एंड कर रही हूँ, ठीक है, 12 बजे दोबारा मैं काम देखूंगी और सबका ऑनलाइन अगर तो सबमिट हो गया, वरना अगर किसी को क्वेश्चन हुआ तो दोबारा क्लास में स्टार्ट करूँगी, ठीक है? ओके मैम। आप लोग काम करें बैठ। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।